एशिया कप में आज अहम मुकाबला खेला जा रहा है। अंतिम सुपर चार के मुकाबले में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो भी टीम जीतेगी उसे फाइनल का टिकट मिलेगा और फाइनल में उसे भारत से 28 सितंबर को भिड़ना होगा। इस मुकाबले में बांग्लादेश की पूरी टीम 48.5 ओवरों में 239 रन बनाकर आउट हो गई। अब पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए 240 रन बनाने होंगे। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। पाकिस्तान ने 12 रन पर ही बांग्लादेश के 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन फिर चौथे विकेट के लिए मुशफिकुर रहीम और मोहम्मद मिथुन ने 144 रनों की साझेदारी कर बांग्लादेश को इन झटकों से उबार लिया। मोहम्मद मिथुन ने 60 रन बनाए, जबकि मुशफिकुर रहीम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना शतक बनाने से चूक गए और 99 रनों पर आउट हो गए। चौथा विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश को लगातार झटके लगे और टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 7 गेंद पहले ही 239 रनों पर आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद जुनैद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।